भारत में कई महान शासक हुए, जिनमें से एक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था तथा 72 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही हुई। सम्राट अशोक सम्राट बिंदुसार के तथा माता सुभाद्रंगी के पुत्र थे। सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता था। सम्राट अशोक की माता चंपक नगर के एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। सम्राट अशोक को एक सफल और कुशल सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है। आचार्य चाणक्य ने उन्हें एक सफल और कुशल सम्राट के सभी गुण सिखाए। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे। खेलते खेलते वे इसमें निपुण भी हो गए थे। कुछ बड़े होने पर वे अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे तथा वे जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करने भी लगी थी। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद अशोक सम्राट की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों के बारे में कोई खास जानकारी किसी किताब या कहीं और नहीं है, परंतु उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संगमित्रा का उनके धर्म प्रचार में काफी योगदान है। कहा जाता है अशोक की मृत्यु के बाद भी मौर्य वंश का साम्राज्य लगभग 50 वर्ष तक चला। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर भी क्लिक करें तथा ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें।